नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube इंग्लिश लेक्चर्स में। हम लोग नाउन पढ़ रहे हैं और इससे पिछले लेक्चर में आपने ये देखा था कि भाई नाउन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और कौन से नाउन प्लूरल वर्जन में प्रयोग होते हैं और कौन से सिंगुलर वर्जन में ही प्रयोग होते हैं, और कौन से ऐसे हैं जो कि दिखते प्लूरल है होते सिंगुलर हैं, कौन से ऐसे हैं जो दिखते सिंगुलर है होते प्लूरल हैं, कौन से नाउन सिर्फ अनकाउंटेबल कैटेगरी में आते हैं, कौन से काउंटेबल में आते हैं, ये सब आपने सीखा। अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल पहली बार देख रहे हैं तो इसे अगर इसको सही से समझना है तो इससे पीछे के वीडियो को जाके जरूर देखें जो कि पॉइंट नंबर 1 से लेके 23 तक है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। इसका पॉइंट नंबर 24, यहाँ पे आपको बताएगा कि मस्कुलिन और फेमिनिन नाउन के जो वर्जन्स होते हैं, स्पेलिंग्स होती हैं, वो थोड़ी अलग होती हैं। कई बार हम डायरेक्टली, जैसे कई बार इसमें दे रखा है मस्कुलिन फेमिनिन, मस्कुलिन मतलब मेल और फेमिनिन मतलब फीमेल्स। ठीक है, तो मस्कुलिन जो मेल जो नाउन है, बेसिकली एक एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए, यहाँ पे आपको एक ऑथर वर्ड दिया हुआ है। ठीक है ना, ये जो ऑथर है इसका मतलब आप मेल ऑथर को डिनोट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप फीमेल को ऑथर नहीं कह सकते, भाई हम कहते हैं। ठीक है ना, शी वॉज अ वेरी वेरी गुड ऑथर। ठीक है, तो बट यहाँ पे अगर आप इसको प्योर वर्जन में यूज करना चाहते हैं, अच्छी ग्रामर का परिचय देना चाहते हैं, तो आप इसको ऑथर ना, फीमेल ऑथर को फीमेल ऑथर ना कह के आप ऑथरेस कहेंगे। ठीक है ना, शी वॉज अ ग्रेट ऑथरेस। ठीक है, होस्ट है तो होस्ट का मतलब आपको जो जो जिसके यहाँ पर आप मेहमान बनकर जाओगे। ठीक है ना, और वो आपकी जो है मेजबानी करेगा, तो उसको मेल है तो होस्ट है और फीमेल है तो होस्टेस है। ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आजकल हम देखो कुछ जगह पर मैंने ऐसे देखा है कि भाई होस्टेस जो है वो मेल लोगों के संदर्भ में भी ये लोग प्रयोग कर रहे हैं, बट एज ऑन डेट एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल। होस्ट लड़की को भी होस्ट कह देते हैं और लड़के को भी होस्टेस कह देते हैं, उल्टा भी हो जाता है, बट ओरिजिनली लड़के के लिए होस्ट रहेगा और लड़की के लिए होस्टेस रहेगा। उसके बाद जैसे मेयर दे रखा है, तो मेयर आपका जो है, जो शहर का शहर शहर का मैनेजमेंट देखेगा, टाउन का मैनेजमेंट देखेगा, उसमें साफ सफाई का ध्यान रखेगा, वो सब आप जानते होंगे कि मेयर कौन होता है। ठीक है, तो फीमेल है तो मेयरस कहते हैं, लेकिन हम आजकल नॉर्मली मेयर भी डिनोट कर रहे हैं, शी इज अ गुड मेयर। ज्यू, ज्यू मतलब एक ज्यूइश जो धर्म है उसको मानने वाले लोगों को ज्यू कहते हैं, और जो अगर वो मेल है तो ज्यू है और फीमेल है तो ज्यूस है। ठीक है, सिमिलरली पोइट है तो आप उसको फीमेल, मेल है तो पोइट और फीमेल है तो पोइट, पोइटस। ठीक है ना, उसके बाद ट्यूटर है, ट्यूटर है मेल ट्यूटर, फीमेल ट्यूटर ट्यूटरेस। ठीक है ना, शेफर्ड जो भेड़ बकरी चराता है, गडरिया। ठीक है, और शेफर्डेस जो उसका फीमेल वर्जन है। जाइंट का जाइंटेस हो गया। ठीक है, हेयर का हेयरस हो गया, हेयर हेयर कहते हैं, हेयर नहीं कहेंगे। लाइन है, लाइनेस हो गया। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, लाइनेस। प्राइस्ट है तो प्राइस्टेस कहेंगे, प्रोस्टेस। ठीक है, टेलर है टेलरेस। ओके, सो ये चीज आपने देखी है। अब इसमें आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन एक फिर भी एक ये है कि जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा जानेंगे। बस गो थ्रू करते रहिए इन वर्ड्स को बार बार, एग्जाम में कभी भी कहीं से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो है आपका पॉइंट नंबर 24 के अंदर ही जो है सेकंड पॉइंट में, सेकंड सब पॉइंट में हमें क्या सिखा रहा है कि भाई हर बार ऐसा नहीं होता है कि आप ई डबल एस लगा देंगे। ठीक है ना, आपने ऊपर देखा क्या आपको सिखाया गया था कि भाई यहाँ पे आप ई एस एस लगाएंगे। ठीक है ना, क्या लगाएंगे, ई एस एस दे रखे ना, ई एस एस। ई एस एस लगाने से वो क्या कन्वर्ट हो जाते हैं, फीमेल में। ठीक है ना, फीमेल नाउन में आ जाते हैं उनका। लेकिन हर जगह ई एस एस लागू नहीं होता है, कई जगह पे मस्कुलिन जो नाउन होएगा उसका जो लास्ट वोवल रहता है और उसके पहले आने वाला जो कॉन्सोनेंट रहेगा उसको हटा के ई एस एस जोड़ने से भी फेमिनिन होता है। जैसे कि एक्टर है, तो एक्टर में ए सी टी ओ आर है। ठीक है, तो एक्ट्रेस हो जाएगा ए सी टी आर ई डबल एस। ठीक है ना, एक्टोरेस नहीं होगा, एक्ट्रेस होगा। बेनिफैक्टर है तो बेनिफैक्ट्रेस हो जाएगा। ये सब चीजें गो थ्रू करने वाली हैं, ज्यादा इस पर इतना नहीं कर सकते हम लोग कि हम इस पे पूरे दिन लेके बैठे हैं। इसको फटाफट पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने आप से पूछने की कोशिश करेंगे, मतलब एक रिवीजन देंगे इसको। प्रिंसेस, प्रिंस का प्रिंसेस, वेटर का वेटरेस। ठीक है, एम्बेसडर का एम्बेसड्रेस। ठीक है, और उसके बाद कुछ और वर्ड भी दे रखे हैं। अगर फीमेल डायरेक्टर है तो, मेल डायरेक्टर है तो डायरेक्टर कहते हैं, फीमेल डायरेक्टर है तो डायरेक्टरेस कहते हैं। निग्रो,
जो नाइजीरियन लोग होते हैं उनको नीग्रो कहते हैं, जब हम इंडिया इंडिया वालों को इंडियंस कहते हैं ऐसे ही नाइजीरियंस को नीग्रो कहते हैं। ये निग्रेस हो गया अगर वो फीमेल है, टाइगर है तो, और ये टाइग्रेस टिग्रेस, ठीक है ना। ध्यान रखिए भाई, एक थोड़ा जीके की भी बात बता देता हूँ। किसी भी देश में जो राष्ट्र राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय पक्षी होता है तो ज्यादातर कंट्रीज में उसको फीमेल रखा गया है, बिकॉज अगर हम फीमेल को कंजर्व करेंगे तो फीमेल प्रोड्यूस कर पाएगी, रिप्रोड्यूस कर पाएगी और आगे आगे वंश को बढ़ाने में मदद करेगी। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना। फीमेल जन्म देती है, मेल नहीं। तो टिग्रिस जो है, पैंथेरा टिग्रिस जो है, वो इंडिया का जो है नेशनल एनिमल उसको घोषित कर रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है पॉइंट नंबर 3 में, 24 का पॉइंट नंबर 3 आ जाता है। पॉइंट नंबर 3 में क्या सिखा रहा है हमको ये, कि कुछ केसेस में मस्कुलिन नाउन के शब्दों में चेंज करा जाता है और अंत में ईएसएस लगाने पर भी फेमिनिन नाउन बन जाता है। सेम ऊपर वाली बात है, ठीक है, ज्यादा कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एम्परर का एम्प्रेस हो गया, गवर्नर का गवर्नेस हो गया, ड्यूक का डचिस हो गया, गॉड का गॉडेस हो गया। देख रहे हो, थोड़ी थोड़ी स्पेलिंग चेंज हो रही है। मास्टर का मिस्ट्रेस हो गया, मिस आप यूज करते हैं ना, वो उसी का शॉर्ट फॉर्म है। सॉर्सरर जो जादूगर है, सॉर्सरस जादूगर नहीं हो गया, ठीक है। तो ये है, लेकिन आगे कुछ फिर फोर्थ पॉइंट में, इसमें फोर्थ सब पॉइंट में हमें क्या बता रहा है, कुछ केसेस में जो कंपाउंड मस्क्यूलिन नाउन होते हैं, ठीक है ना। कंपाउंड मस्क्यूलिन नाउन से क्या मतलब होता है, जो दो या उससे ज्यादा शब्दों से मिलकर बने हो उनको कंपाउंड मस्क्यूलिन नाउन कह रहा है, कंपाउंड नाउन कहेंगे, ठीक है। उसमें क्या करते हैं कि जो फर्स्ट या सेकंड वर्ड में चेंज करके हम लोग फेमिनिन जेंडर को बनाएंगे, ठीक है। जैसे मैन सर्वेंट है, ठीक है ना, मैन सर्वेंट का आप फीमेल सर्वेंट, वीमेन सर्वेंट मत कहना, मेड सर्वेंट कहते हैं उसको, हम कहते हैं ना आज हमारी मेड नहीं है, तो ये वही है। वॉशरमैन का क्या रहेगा, वॉशर वुमेन रहेगा। बक रैबिट, रैबिट मतलब समझते हैं ना आप, है ना, खरगोश, और इसका डो रैबिट हो जाएगा। ब्रदर इन लॉ का सिस्टर इन लॉ, इसमें मेन वर्ड सिस्टर है इसलिए उसको चेंज कर रहा है। ही बियर का शी बियर, ठीक है, भालू है ना, मेल भालू फीमेल भालू। बुल काफ बछड़ा, काउ काफ बछिया। जैकेस गधा, ठीक है ना, गधे के फीमेल जेनियस। हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस। मिल्क मैन मिल्क मेड। पोस्ट मास्टर पोस्ट मिस्ट्रेस। पीकॉक पीहेन, पीकॉक मतलब मोर, पीहेन मतलब मोरनी, ठीक है। लैंडलॉर्ड लैंडलेडी। फादर इन लॉ मदर इन लॉ, ठीक है। स्टेप फादर स्टेप मदर। ही गोट बकरा बकरी, शी गोट, ठीक है। कॉक स्पैरो चिड़िया, हैन स्पैरो, ठीक है ना, चिड़िया मतलब चिड़ा, समझ रहे। डॉग वॉफ बिच वॉफ, भेड़िया फीमेल भेड़िया बिच वॉफ। स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर है, यू नो इट वेरी वेल। ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर, क्लियर है। तो ये जो वर्ड्स हैं आप इनको ढंग से देख लीजिए, इनकी भी एरर कभी कभी देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते, अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 में, इसका सब पॉइंट 5। सब पॉइंट 5 के अंदर हमें बताता है फॉरेन वर्ड्स और अन्य जो दूसरे शब्द हैं, मतलब कई बार क्या होता है ये वर्ड्स फॉरेन वर्ड, इसलिए वैसे तो इंग्लिश भी फॉरेन ही है हमारे लिए, बट फॉरेन मीन्स इंग्लिश वाल इंग्लिश मैन के लिए भी वो चीज फॉरेन थी एक समय पे, जैसे कि लैटिन और ग्रीक के कुछ शब्द आ जाते हैं या और कहीं किसी देश के शब्द जो आ जाते हैं, तो वो ज्यादा प्रचलन में हो गए तो अंग्रेज लोग भी उनको यूज करने लगे और अंग्रेजी में ओवर द ईयर्स ये यूज होने लगे और कॉमन वर्ड्स अभी ये बन गए हैं, ठीक है ना। तो फॉरेन वर्ड्स में मस्क्यूलिन जो वर्ड होता है इसमें अलग कोई पर्टिकुलर इसका एक रूल नहीं होता है, इसको बस ऐसे ही चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, बस जैसे लोग यूज कर रहे हैं उसी तरह से हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है पहला वर्ड क्या दिया गया है इसमें देखोगे तो एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसका जो फीमेल है वो एडमिनिस्ट्रेटरिक्स होगा। एग्जीक्यूटर कार्यान्वित करने वाला, एग्जीक्यूटरिक्स, ठीक है। लैड मतलब लड़का, लैस मतलब लड़की, भाई बॉय और गर्ल तो आपने सुना ही होगा, आप उसको लैड भी कह सकते हैं। बेसिकली जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना कि वो एक लड़का है और वो एक लौंडा है, समझ में आ रहा है। तो देसी भाषा में ये लोग उसको लैड कहते हैं, बॉय एंड लैड, समझ रहे हैं आप, सिमिलर है, सिनोनिम है, एक ही चीज को डिनोट करेंगे। उसके बाद प्रोसिक्यूटर है, प्रोसिक्यूटरिक्स है ना, अभियोक्ता, समझ में आ रहा है। प्रोसिक्यूटर जो आपके बिहाफ पर आपको डिफेंड करेगा, जैसे कि आपका वकील, ठीक है। इसका फीमेल वर्जन प्रोसिक प्रोसिक्यूटरिक्स,
प्रोसक्यूट्रिक्स होता है, ठीक है, सुल्तान, सुल्ताना। देखो ये वर्ड जो है बेसिकली अरेबियन वर्ड होगा, बट इसको बहुत इतना यूज किया गया है तो ये वर्ड जो है इंग्लिश इंग्लिश में की डिक्शनरी में भी आ गया है। तो जो मेल प्रिंस होता है उसको कई बार सुल्तान कह देते हैं ये लोग, और उसका जो फीमेल वर्जन है उसको सुल्ताना कहेंगे। बोर, बोर मतलब मेल सुअर, और सो मतलब फीमेल सुअर, ठीक है ना। ब्रदर, सिस्टर, यू नो इट वेरी वेल। कॉल्ट, बछड़ा, फिली, ठीक है ना। बुल काफ, काओ काफ आप पढ़ के आए हैं अभी, कॉल्ट है और ये फिली है, ये भी वर्ड है। डॉग का बेच, बक का डो, ठीक है ना। अर्ल, राजा को अर्ल कहते हैं, काउंटेस को रानी कहेंगे, ठीक है। मॉन्क, सन्यासी, ठीक है ना, जो फीमेल होगा और उसकी जो मेल होगा उसको मॉन्क, और जो फीमेल होगा उसको नन कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गैंडर, गैंडर मतलब हंस, ठीक है। गैंडर ऊपर दे रखे हैं, गैंडर हंस, हंसनी को गूज, हार्ट हिरन, हिरणी, घोड़ा घोड़ी, किंग क्वीन, यूनिट वेरी वेल, मैन वुमेन, मिस्टर मिस, शीप गोट, सन डॉटर, अंकल आंट, फॉक्स विक्सन। मेल लोमड़ी है तो फॉक्स है और फीमेल है तो विक्सन। ऑक्स, काओ, ठीक है ना। जार, भाई जो रूस के लोग थे, जार जो है वो कई बार राजा को भी, मैंने हिस्ट्री जैसे पढ़ी है तो वो उसको राजा से डिनोट करते थे रूस के लोग, उसको जार कहते थे। तो मेल है तो जार है और फीमेल है तो जरीना है, इसमें सी साइलेंट है, ठीक है। हीरो, हीरोइन, ठीक है ना, हीरोइन में लास्ट में ही आता है, याद रखिएगा। टेस्टेटर, जो वसीयत करता है उसको फीमेल में टेस्ट्रिक्स कहेंगे। बैचलर, मेड, ठीक है ना। बॉय, बैचलर का मतलब क्या है, कुंवारा लड़का, मेड कुंवारी लड़की। बॉय, गर्ल, कॉक, हैन, ड्रेक, बत्तख, डक, फीमेल फीमेल बत्तख, ड्रोन, नर मक्खी, बी, बुल, काफ, ठीक है जी। तो ये वर्ड आपको पता लग गए हैं। उसके बाद फादर, ठीक है, मदर, ब्राइडग्रूम, ब्राइड, जेंटलमैन, लेडी, ही, शी, हस्बैंड, वाइफ, देयर इज नो रूल, है ना। फीमेल कह रहे, देखो कुछ भी कह रहा है, कोई स्पेलिंग चेंज नहीं है, पूरी की पूरी स्पेलिंग ही बदल दी गई है, अलग स्पेलिंग है। लॉर्ड, लेडी, ठीक है ना। मेल, फीमेल, नेफ्यू, भतीजा, नीस, भतीजी, सर, मैडम या डेम भी कहते हैं, विडो, विडोवर, विदुर, ठीक है, विडो, विधवा, विजार्ड, जादूगर, विच, जादूगरनी, ठीक है। तो आपने इतने सारे वर्ड्स देखे। अब आते हैं पॉइंट नंबर 25 में। पॉइंट नंबर 25 क्या बता रहा है, सिंगुलर टू प्लूरल, ठीक है ना। अभी आपने क्या देखा था, मेल टू फीमेल, मस्कुलिन टू फेमिनिन। अभी आप क्या देख रहे हैं, सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में चेंज करने के नियम। तो भाई सिंगुलर आपको पहले ही पता है कि सिंगुलर जो एक है और प्लूरल जो एक से ज्यादा है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, टेक्निकल बात नहीं है, ठीक है ना। बस सबसे बेसिक रूल ये होता है कि ज्यादातर नाउन्स में कि हम एस लगा देते हैं। सबसे बेसिक रूल क्या होता है, हम इसको एस चिपका देंगे लास्ट में और वो प्लूरल बन गया। जैसे बॉय का बॉयज है, गर्ल का गर्ल्स है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन इसके पर्टिकुलर कुछ रूल्स हैं, जो रूल नंबर 2 में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो भाई जिन नाउन के अंत में ये एस, एस एस, सी एच, एस एच या एक्स आता है, उनका प्लूरल बनाने के लिए उनमें क्या करते हैं, ई एस एड कर देते हैं। जैसे बस है तो बस का क्या हो जाएगा, बसिस हो जाएगा, वॉच का वॉचिस हो जाएगा, ठीक है। बट डोंट टेक इट एज ए जनरल रूल, है ना। अभी मैं बताऊंगा आपको इसका एसिस हो जाएगा, ठीक है ना, और फिक्स का फिक्सिस हो जाएगा, चर्च का चर्चिस हो जाएगा, टैक्स का टैक्सेस, बॉक्स का बॉक्सेस, ठीक है, फॉक्स का फॉक्सेस, स्विच का स्विचेस, कैनवस का कैनवेसिस, क्लास का क्लासेस, क्विज का क्विजेस, डिश का डिशेस, कोच का कोचेस, ठीक है, सिंपल है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भाई ये रूल तो आपने जनरल लाइफ में सीखे ही हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल रूल आएंगे, ये आपको यहाँ पर आगे दिया गया है एक्सेप्शनल रूल्स की कैटेगरी में। एक्सेप्शंस जो हैं क्या होते हैं, पे हर जगह एस या एस लगाने से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे स्टोमक दिया है, तो स्टोमक का जैसे पेट है ना, स्टोमक का स्टमक्स हो गया, इसमें ई एस नहीं आ रहा है। पेपर में ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है आपके हाथों,
वहां पे ES भी लिखा होगा और S भी लिखा होगा, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा स्टमक्स। और मेरे को पूरा श्योर है कि आप लोगों को ES वाला ही बेटर लगेगा, ठीक है, क्योंकि उससे प्रोनाउंसिएशन निकल कर आता है, इससे नहीं आता है, ठीक है। तो याद रखना लोकस, लोकी, टिड्डा है ना, देखे ना टिड्डा जो होते हैं जो उड़ते हैं, है ना, तो लोकस का फीमेल वर्जन, प्लूरल वर्जन लोकी हो गया। सिमिलरली रेडियस का रेडे ही होता है, ठीक है ना, एक रेडियस है तो रेडे, और बहुत सारी हैं तो रेडे। ऑक्स है तो उसका प्लूरल वर्जन ऑक्सन होगा, अगर एक से ज्यादा बैल है, बैलों का जोड़ा होता है तो भी उसको ऑक्सन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है अगला पॉइंट नंबर 3 में ये बता रहा है कि भाई कई बार नाउन्स के एंड में ओ आ जाता है, और उससे पीछे अगर कोई कॉन्सोनेंट हो, और उसके बाद भाई लास्ट का जो सेकंड लास्ट वर्ड है वो कॉन्सोनेंट और लास्ट वर्ड है, और सेकंड लास्ट जो कैरेक्टर है वो आपका कॉन्सोनेंट है और लास्ट कैरेक्टर ओ है, तो क्या करने का है, सिंपल ई एस उसमें फिक्स करके उसको प्लूरल मान लेंगे, ठीक है। जैसे कि हीरो का हीरोज है, मॉस्किटोज है, कार्गोज है, पोटैटोज है, मैंगोज है, इकोज है, ये सब है। इसके कुछ एक्सेप्शंस नीचे दिए गए हैं, डायनेमो डायनेमोज हो जाएगा, ठीक है, मोमेंटोज हो जाएगा, पियानोज हो जाएगा, फोटोज हो जाएगा, सोलोज हो जाएगा, रेशियोज हो जाएगा, ठीक है। सिंगल इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, याद रखिएगा ये एक्सेप्शंस ही हमको मारते हैं, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं, आप जैसे इसमें देखो डायनेमोज दे रखे हैं ना, तो डायनेमो को वो ई एस बना सकता है, क्लियर है, तो ये चीज याद रखिएगा आप। इसके बाद जो है अगला वर्ड, अगला जो पॉइंट है वो क्या बता रहे हैं, यदि किसी नाउन के एंड में डबल वोवेल लगे हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए उसके एंड में सिर्फ एस लगाने से ही काम हो जाएगा। बी है, बीज हो जाएगा, जूस, ठीक है ना, बी का बीज हो जाएगा, जू का जूस हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, ट्रीज हो जाएगा, रेडियोज हो जाएगा, पोर्टफोलियोज हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 में, किसी नाउन के एंड में वाई आएगा तो, और वाई से पीछे कोई कॉन्सोनेंट है, वोवेल नहीं कॉन्सोनेंट है, तो वाई की जगह आई ई एस लगाने से काम चलेगा, ठीक है। तो इसको जैसे क्राई है तो क्राइज हो जाएगा, फैमिलीज हो जाएगा, सिटीज हो जाएगा, लॉरीज हो जाएगा, काउंट्रीज, आप सबको पहले पोनी, ठीक है ना, पोनी मतलब जो खच्चर होता है, ठीक है ना, इसको पोनी कहते हैं। डिक्शनरी, डिक्शनरीज हो गया, रिप्लाइज हो गया, बात समझ में आ रहा है। नाउ वी आर कमिंग टू पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है, किसी नाउन के एंड में अगर वाई वाई आए और उससे पहले वोवेल हो, आप पीछे तो क्या था कॉन्सोनेंट, अभी क्या है वोवेल, अगर वोवेल आ जाता है तो सिर्फ एस लगाने से ही उसका प्लूरल बना देंगे, ठीक है ना। सिंपली देख सकते हैं, कीज दे रखा है, रेज दे रखा है, वेज दे रखा है, टॉयज दे रखा है, डोंकीज है, मंकीज है, वैलीज है, स्टोरीज है ना। आगे बढ़ते हैं 7, पॉइंट नंबर 7 में एंड में अगर एफ या एफ ई आए तो प्लूरल बनाने के लिए एफ और एफ ई को हटा के वी ई एस लगा देंगे, ठीक है। जैसे काफ है तो काफ का क्या हो जाएगा, काव्स हो जाएगा, ठीक है ना, वाइव्स हो जाएगा, वॉल्व्स हो जाएगा, लीव लीव्स हो जाएगा, शेल्फ हो जाएगा, हाव्स हो जाएगा, थीफ हो जाएगा, थीफ लाइफ का लाइफ हो जाएगा, नाइफ हो जाएगा, लॉफ्स हो जाएगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हमें ध्यान देने हैं, यहाँ पर जो एक्सेप्शंस हैं यहाँ से खास तौर से प्रॉब्लम्स होती हैं। बिलीफ है, अगर आप देखो वीई लगाओगे तो वो वर्ब बन जाएगा, अगर आपको नाउन बिलीफ जैसे भरोसा, तो उसको अगर आप बहुत सारे भरोसे हो गए हैं, बहुत सारी चीजों पर आपको भरोसे, तो आप उसको प्लूरल बनाना चाहते हैं तो बिलीफ ही रहेगा, ठीक है, क्लियर है। क्लिफ का क्लिफ्स हो जाएगा, ग्रीफ्स हो जाएगा, प्रूफ्स हो जाएगा, स्टेप्स हो जाएगा, टर्फ घास के इलाका जो टर्फ है, ठीक है, चीफ हो जाएगा, चीफ, ड्वार्फ हो जाएगा, गल्फ हो जाएगा, रूफ, स्कार्फ, ठीक है, ब्रीफ, समझ में आ रही है बात, तो बिल्कुल सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या है, कंपाउंड नाउन में अगर आ जाए, ठीक है, तो उसका जो मेन वर्ड है, ठीक है, रूल ब्रेक हो रहा है, उसका जो मेन वर्ड है आप उसी के साथ एस लगा देंगे, ठीक है ना, आप उसी के साथ अपना एस चिपका के अपना प्लूरल बनाएंगे। ब्रदर इन लॉ में ब्रदर इंपॉर्टेंट है, ब्रदर मेन वर्ड है तो ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा, स्टेप डॉटर्स हो जाएगा, पी हैंस हो जाएगा, मदर इन लॉज हो जाएगा, मैन हेटर, मैन लवर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वुमेन सर्वेंट, बेडरूम्स, ठीक है ना, मेड सर्वेंट्स, पीकॉक, पी पीकॉक्स, ठीक है ना, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, विमेन लवर, विमेन लवर, विमेन लवर, विमेन लवर, दोनों एक जैसे हो रहे हैं देखो, लेकिन विमेन लवर्स हो रहा है वहां पे, ठीक है ना,
समझ में आ रहा है, क्योंकि विमेन यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, नाउन के रूप में काम नहीं कर रहा है, जबकि ये नाउन होता है, लेकिन ये विमेन यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है। इस बात को समझो, यहाँ पर लवर जो है ये मेन वर्ड है, ये नाउन है, ठीक है ना। और लवर को किस प्रकार का लवर है, विमेन लवर है। तो ये जो विमेन वर्ड है, दिस विमेन वर्ड, ये क्या डिनोट कर रहा है, विमेन वर्ड क्या डिनोट करता है हमको, कि हम लोग जो है एडजेक्टिव की तरह उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे वो कहता है कि कमांडर इन चीफ है, ठीक है ना, और मैन सर्वेंट का MEN, मैन सर्वेंट, ठीक है ना, MEN, मैन सर्वेंट। वैसे आप MEN यहाँ भी लगा रहे हैं, ठीक है, और उसमें भी लगा रहे हैं, क्लियर है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, इसने देखो इधर भी ई प्लूरल बना दिया और इधर भी इसने इसको प्लूरल बना दिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो ये हो सकता है अगर दोनों वर्ड खास हैं। वैसे आपको यहाँ पर सर्वेंट्स में ज़्यादा सही रहेगा, तो इसलिए सर्वेंट पर ही ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर भी मैन एज एन एडजेक्टिव ही काम कर रहा है, तो सर्वेंट ज़्यादा सही है, लेकिन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे आदमियों का अगर सर्वेंट है तो भी वही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे पॉइंट नंबर 9 के अंदर क्या समझा रहा है हमको, पॉइंट नंबर 9 में ये समझाता है, कुछ ऐसे नाउन है जिनका प्लूरल बनाने के लिए इनसाइड वोवल में चेंजेस करेंगे, में परिवर्तन करते हैं, ठीक है। इनसाइड वोवल से क्या मतलब है, ठीक है, इनसाइड वोवल का मतलब ना शुरू का ना लास्ट का, बीच का, मैन मैन MEN, ठीक है ना, MEN हो गया, ठीक है, और उसके बाद फूट का फीट हो गया, माउस का माइस हो गया, गूस का गीस हो गया, विमेन का विमेंस हो गया, टूथ का टीथ हो गया, लाउस का लाइफ, ऑसिस का ऑसिस हो गया, ठीक है। और कुछ ऐसे नाउन है जिनका प्लूरल बनाने के लिए ईएन जोड़ते हैं, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो गया, ब्रदर ब्रदरन हो गया, ऑक्स का ऑक्सन हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे दे रखा है 11 नंबर पॉइंट में कि कुछ नाउन के दो तरह के प्लूरल बनते हैं जिनका अर्थ भी अलग होता है। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चीज में पेपर में आ चुकी है, मैं आपको बता रहा हूँ, पीछे कई पिछले 10 साल में देखोगे तो ये वर्ड्स आए हैं कई बार। देखो भाई, ब्रदर का सीधा मतलब भाई होता है, सन्स ऑफ सेम पेरेंट्स, ठीक है ना, जो कि ये बता रहा है। तो अगर ब्रदर भाई होता है, ब्रदर्स तो बहुत सारे भाई हो गए, लेकिन एक और भाई लोग होते हैं ना अंडरवर्ल्ड में, वो बोलते हैं ना, वो लोग फिल्मों में आते हैं, भाई लोग हैं, ठीक है ना, तो बोलते हैं अखा मुंबई का भाई है ना। तो ब्रदर मतलब मेंबर ऑफ सोसाइटी, कम्युनिटी और रिलीजियस ग्रुप, किसी भी ग्रुप के अंदर एक ग्रुप बनाया है इस पर्पज के लिए, तो उसमें जो फ्रेटर्निटी है, भाईचारा है, तो आपस में वो लोग एक दूसरे को भाई कहते हैं। दे आर नॉट रिलेटिव, दे आर मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी और अ ग्रुप और अ कम्युनिटी और एनीथिंग, ठीक है ना। सो दे मे कॉल देमसेल्व्स ब्रदरन, ठीक है, समझ में आ रहा है। क्लोथ, अगला वर्ड क्लोथ मतलब कपड़ा होता है। अब भैया कपड़े भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिले और एक बिने सिले। तो जो सिले हुए कपड़े हैं, अगर उनका प्लूरल आप बनाओगे, समझ में आ रहा है, तो उसके लिए तो ES लगा दोगे आप, क्लोथिस। जो बिना सिले हैं तो सीधा क्लोथिस, क्लोथ, ठीक है ना। डाई, भाई डाई एक तो वर्ब होता है, तो वर्ब का तो चैप्टर पढ़ ही नहीं रहे हैं वरना, है ना, हम तो नाउन पढ़ रहे हैं। तो ये कौन सा डाई है जो आप यूज करते हैं, बोलते हैं ना, अब एक खांचा, जैसे बोलते हैं ना सांचा तैयार किया है, एक डाई बना लेते हैं, फिर उसके अंदर माल भर के उसको भट्टी में डालते हैं, तो उसी शेप का वो निकल कर आता है, तो डाई होता है। तो बहुत सारी हैं तो डाइज हो जाएंगी, समझ में आ रहा है। स्टैम्प्स यूज टू प्रिंटिंग एंड कॉइनिंग, है ना, सिक्के और नोट बनाने के लिए स्टैम्प्स यूज होती हैं, एक खांचे होते हैं, उनके ऊपर कागज रखते हैं, उसी शेप में छपेगा, तो वो डाइज हो गया। लेकिन DIC आप समझते हैं, पासा, है ना, लूडो वगैरह में जो खेलते हैं, जो शकुनी खेला करता था महाभारत में, दैट इज डाइज, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, इंडेक्स वर्ड है। इंडेक्स वर्ड जो है आपको मालूम है, इंडेक्स सूची को कहते हैं, लेकिन अगर इन बहुत सारी सूचियां हैं तो इंडेक्स इज सिंपली ES लगा के प्लूरल बना दो, लेकिन अगर एलजेब्रा के लिए है तो एलजेब्रा के कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है, तो भी तो उसको हम इंडाइसिस कहते हैं, है ना, जो पावर्स होती हैं, है ना, लगाते हैं ना स्क्वेयर रूट पावर वो सब, तो वो सर्ट्स एंड इंडाइसिस चैप्टर भी आप पढ़ते होंगे, तो वही है साइंस यूज इन एलजेब्रा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 26, ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको प्लूरल नाउन बता रहा है। ये लैटिन वर्ड्स हैं, कुछ लैटिन वर्ड के बहुत बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन ये खास शब्द हैं, इनके एंड में ज्यादातर UM आएगा, जो मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ आपको, ये सिंगुलर होते हैं, प्लूरल बनाने के लिए ऐसे वर्ड्स में से UM हटा के ए लगा दे। UM वाले वर्ड जो होते हैं लैटिन के, ये सिंगुलर होते हैं, और इसको हटा के ए लगा दो तो प्लूरल। डेटम का डेटा, ठीक है,
एजेंडम का एजेंडा, मेमोरेंडम का मेमोरेंडा, ओबम का ओबा, डिक्टम का डिक्टा, स्ट्रेटम का स्ट्रेटा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अम हटा के आ लगाना है। ओके, लैटिन भाषा के कुछ और शब्द भी हैं, उनके पीछे यूएम आता है, लेकिन प्लूरल बनाने के लिए एंड में एस लगा देंगे, है ना? जैसे जाइलम है तो जाइलम्स आएंगे, जाइलम्स मतलब जहां पर रेफ्यूजीज या पागल वो लोग जमा होंगे। प्रीमियम्स, पेंडुलम्स, म्यूजियम्स, फॉरम्स, प्लैटिनम्स, ठीक है। उसके बाद कुछ और लैटिन वर्ड्स हैं जिनके एंड में यूएस आता है और इनका प्लूरल यूएस को हटा के आई में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे रेडियस है तो रेडियस का रेडी पीछे पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। सिलेबस का स्लेबी, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कुछ ग्रीक के वर्ड्स हैं, ग्रीक भाषा के, ठीक है, यूनानी शब्द ग्रीक। तो यहाँ पे एनालिसिस यानी कि एंड में आई एस आएगा तो क्या करेंगे, ई एस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस अगर सिंगल है वैसे तो अनकाउंटेबल होता है, बट अगर ये एज अ डेटा आप इसको यूज कर रहे हो तो अगर ये सिंगल है तो आई एस है, आई एस वाला एनालिसिस है, और अगर प्लूरल है तो एनालिसिस। बहुत सारे एनालिसिस किए हैं तो एनालिसिस एनालिसिस, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में बहुत माइल्ड, बहुत हल्का सा डिफरेंस है, 19-20 का फर्क है, बट स्पेलिंग में डिफरेंट है। आप याद रखिएगा, पेपर में गलती हो सकती है। हाइपोथेसिस आई एस, हाइपोथेसिस प्लूरल हो जाएगा, थीसिस थीसिस, ठीक है ना, आई एस वाला सिंगुलर है और ई एस वाला प्लूरल है। क्राइसिस क्राइसिस, बेसिस, बहुत सारे आधार हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से, तो बी ए एस ई एस वाला यूज करेंगे, और एक ही बेसिस है, एक ही आधार है तो आई एस वाला। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में सिखा रहा है हमको कि कुछ ऐसे ग्रीक वर्ड्स हैं जिनके एंड में ओन आता है। क्या आता है? ओन आता है, और इनका प्लूरल ओन को ए में बदलने से बनता है, जैसे फेनोमेनन, ठीक है ना। तो फेनोमेनन का फेनोमेना, क्राइटेरियन क्राइटेरिया, व्हाट इज द क्राइटेरिया या व्हाट आर द क्राइटेरिया, यस, व्हाट आर द क्राइटेरिया, क्लियर है। सिंपल, एक कॉमन एरर आएगी, क्या बोलेगा, व्हाट इज द क्राइटेरिया टू गेट सिलेक्शन टू बी फुलफिल्ड, व्हाट इज द क्राइटेरिया टू बी फुलफिल्ड फॉर अप्लाइंग अप्लाइंग टू द फॉर द पोस्ट ऑफ सो एंड सो। तो यहाँ पर इसने ए पार्ट में गलती कर दी, यहाँ पर क्राइटेरिया प्लूरल है इसलिए क्या आएगा, व्हाट आर द क्राइटेरिया। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 में आते हैं, अन्य कई नाउन जो हैं, क्लियर है, इसके प्लूरल अलग अलग, मतलब सिंगल ऐसे ही सीधा सीधा एस लगा दो भाई, इफ नो, इफ नो बट, है ना, वैसे तो इफ क्या है, समझ में आ रहा है ना, इफ जो होता है उसका मतलब क्या होता है, एक एक प्रीपोजिशन है। तो इधर जो है अपन इसको कंजंक्शन के रूप में भी यूज करते हैं कई बार, सॉरी प्रीपोजिशन ये कंजंक्शन है, लेकिन यहाँ पे जो इफ है ये एज अ नाउन यूज हो रहा है, तो इफ का इफ्स हो गया, मतलब एक सेंटेंस में 10 बार इफ लिखा हुआ है तो हम कहेंगे देर आर 10 इफ्स इन अ सेंटेंस, तो यहाँ पर इफ्स के रूप में इसका यूज करेंगे। फाइव्स, ठीक है ना, हाउ मेनी फाइव्स आर देयर इन दिस नंबर, ठीक है ना, बीएस, बट्स, टेंस, एमएस, आईज, पीस, एटीएम्स, टीस, छोटा एस चिपका दो, प्लूरल बना दो, ठीक है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पॉइंट में, कुछ नाउन के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म के अर्थ पूर्णतः अलग होते हैं। समझ में आ रहा है भाई? याद रखना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो, एयर अनकाउंटेबल होती है, प्लूरल हो ही नहीं सकता उसका, लेकिन जबरदस्ती प्लूरल बनाए तो मीनिंग चेंज हो जाएगा भाई। एयर मतलब हवा होता है, लेकिन एयर मतलब बंदे के अंदर हवा भरी हुई है, यानी कि दिखावटी व्यवहार। एयर एक अज्यूमिंग, एयर का मतलब क्या होता है, अज्यूमिंग एयर का मतलब है घमंड करना, ठीक है ना, मुंह फुलाना, तो एयर वही होता है, दिखावटी व्यवहार करना, ठीक है जी। इसके बाद जो है रिटर्न आता है, रिटर्न मतलब वापसी, पर रिटर्न्स मतलब आय का हिसाब, इनकम टैक्स रिटर्न्स, बढ़ते हैं ना, तो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं होता, रिटर्न्स होता है। आयरन मतलब लोहा, लेकिन बहुत सारा आयरन्स लिखा हुआ है, तो लोहा तो अनकाउंटेबल है, मटेरियल नाउन हो ही नहीं सकता, प्लूरल बस एस लग गया तो जंजीरों को उससे हम डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा लोहा लगा हुआ है, मतलब थोड़ा सा कनेक्ट ही है वैसे, ठीक है। फोर्स है, फोर्स मतलब शक्ति, लेकिन फोर्सेस है तो
बहुत सारे लोगों की शक्तियां, यानी कि सेना, पुलिस की टुकड़ियां, सैंड रेत, और सैंड से तो रेगिस्तान, क्योंकि उसमें बहुत सारा रेत है। वुड, वुड मतलब लकड़ी, तो वुड्स मतलब जंगल जहां पर बहुत सारी लकड़ियां हैं। उसके बाद अब्यूज, दुरुपयोग, ठीक है ना, गलत प्रयोग करना, समझ में आ रहा है। अब्यूसेस, कुरीतियां। गुड, अच्छा। गुड्स मतलब सामान, ठीक है ना। वाटर, पानी। वाटर्स मतलब समुद्र, बहुत सारा पानी है ना उधर। वर्क, मेहनत। वर्क्स मतलब साहित्य, लेख, फ्रूट, फल, ठीक है ना। लेकिन अगर फ्रूट्स आ गया तो नतीजा, ठीक है ना। विट, विट मतलब वाक्पटुता। विट्स मतलब बुद्धिमत्ता, समझ में आ रहा है आपको। आगे बढ़ते हैं भैया। यहाँ पर 7 नंबर पॉइंट में आपको क्या दिखा रहा है, ये बता रहा है कि कुछ नाउन का सिंगुलर फॉर्म में एक अर्थ होता है, परंतु प्लूरल फॉर्म में एक से ज्यादा। ठीक है यार, यहाँ पे जो कस्टम एक वर्ड आ रहा है, कस्टम का मतलब होता है रिवाज, रीति रिवाज। लेकिन अगर आप कस्टम्स करते हैं तो ये बहुत सारे रिवाज हो सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो जैसे कस्टम है, रिवाज है, तो उसका कस्टम्स हो जाएगा। कस्टम्स का मतलब बहुत सारे रिवाज भी होते हैं, लेकिन एक एडिशनल मीनिंग भी उसके साथ ऐड हो गया। भाई कोई सामान आप यहाँ से, बाहर से, फॉरेन से आप इंडिया में लाते हैं तो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, तो दैट इज अ काइंड ऑफ कस्टम्स, ठीक है। कस्टम्स ड्यूटी उस पर लगेगा, तो वही जो टैक्सेस होते हैं वो लगते हैं, फिलहाल सीमा शुल्क के नाम से हिंदी में बोलते हैं। इसके बाद कस्टम्स पढ़ लिया, इसके बाद आपका जो है अगला वर्ड है मैनर। मैनर मतलब तरीका, तो मैनर्स मतलब तरीके, शिष्टाचार, ठीक है जी। तरीके, शिष्टाचार मतलब मैनर का मतलब होता है आप कोई किस ढंग से बात करते हैं। लेकिन अगर आप मैनर्स कहते हैं, मैनर्स का मतलब होता है बहुत सारा, मतलब बहुत सारे तरीके, किस तरह से, द वे यू डू डू द थिंग्स, ठीक है। बट हम कई बार बोलते हैं डोंट यू हैव मैनर्स, तो मैनर नहीं बोलना है, मैनर्स बोलेंगे, बिकॉज मैनर्स मतलब होता है शिष्टाचार, ठीक है ना। बाकी जो मैनर दूसरा वाला है वो है आप किस तरह से करते हैं। ही वॉज डूइंग हिज वर्क इन अ ग्रेट मैनर। ग्रेट मैनर मतलब बहुत अच्छे से वो कार्य को कर रहा था। इसके बाद अगला वर्ड है पेन। पेन मतलब दर्द, तो पेन्स मतलब होता है दर्द, बहुत सारा दर्द, यानी कि अथक प्रयास। ही टेक्स पेन्स इन स्टडी, ठीक है ना। यू हैव टू टेक पेन्स इन स्टडी इन ऑर्डर टू क्वालिफाई योर सेल्फ फॉर द गवर्नमेंट जॉब। तो यहाँ पे पेन्स का मतलब होता है बहुत सारा प्रयास करना। क्वार्टर मतलब एक चौथाई, और क्वार्टर्स मतलब एक चौथाई या आवास, ठीक है। आवास मतलब जो रहने वाले जो होते हैं ना, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनेंगे तो आपको क्वार्टर के लिए कहीं चाहिए होगा, तो आप क्वार्टर के लिए अप्लाई करोगे, तो आप क्वार्टर के लिए अप्लाई नहीं करोगे, क्वार्टर्स के लिए करोगे। अदरवाइज क्वार्टर का मतलब 1/4 होता है, ठीक है ना। उसके कई मीनिंग होते हैं, यू नो इट वेरी वेल। लेटर जो है अगला वर्ड है लेटर, तो लेटर का मतलब होता है कोई, या तो चिट्ठी या अक्षर जिसे कहते हैं ना, भाई कितने लेटर्स हैं इस वर्ड में वो। तो अगर आप लेटर्स कह देते हैं तो बहुत सारी चिट्ठियां भी हो जाएंगी और बहुत सारे अक्षर भी हो जाएंगे। लेकिन अगर लेटर्स का एक और मीनिंग यहाँ पर निकल जाता है, क्या, साहित्य, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि देर इज अ ग्रेट लेटर्स, देर वॉज अ ग्रेट लेटर्स इन हिंदी, बट फॉरेनर्स केम एंड डिस्ट्रॉयड अवर लेटर्स। तो मतलब उन्होंने हमारा साहित्य नष्ट किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एपोस्ट्रोफ, अब आया था है एपोस्ट्रोफ लगाने का। तो एपोस्ट्रोफ ऑफ का सही प्रयोग जो है वो सिंपल है। देखो भाई, सबसे बेसिक रूल ये होता है एपोस्ट्रोफ का कि एपोस्ट्रोफ का प्रयोग पोसेशन दिखाने के लिए तो होता है, लेकिन एपोस्ट्रोफ का प्रयोग याद रखिए हमेशा सजीव वस्तु के साथ ज्यादा सही रहता है, ठीक है। वैसे निर्जीव के साथ भी लगता भी पता लग जाएगा आपको। कह रहा सामान्यतः एपोस्ट्रोफ का प्रयोग जीवित वस्तु का पोसेशन तथा ऑफ का प्रयोग निर्जीव वस्तु का पोसेशन दिखाने के लिए होता है। ऐसा नहीं है, ऑफ का प्रयोग सजीव वस्तु के पोसेशन के दिखाने के लिए भी हो सकता है, लेकिन जनरली एपोस्ट्रोफ का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है। देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल देता है क्या, टेबल्स लेग, है ना। टेबल्स लेग्स यानी कि टेबल की टांगे, मोहन्स बुक, ठीक है ना, तो मोहन की किताब। तो टेबल्स लेग गलत है क्योंकि वो एक निर्जीव वस्तु है, आप उसको बेटर कहेंगे लेग ऑफ टेबल। उसके बाद आता है 28 नंबर पॉइंट में। 28 नंबर पॉइंट में क्या कहता है, निर्जीव वस्तु का मानवीकरण। भाई आप ध्यान रखिएगा, जिस भी चीज से आपको ज्यादा अटैचमेंट हो जाए और उसको आप एज अ ह्यूमन डील करने लगो, ठीक है ना, तो उसका पर्सोनिफिकेशन हो गया समझो, और आप उसके साथ एपोस्ट्रोफ एस प्रयोग करता है कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज को पर्सोनिफाई करते हो। भाई मुझे तो मेरी एक टेबल है जो मेरे परदादा ने दादा को दी थी, ठीक है ना, परदादा ने खरीदी थी, दादा ने यूज करी, पापा ने यूज करी, मैं यूज कर रहा हूँ, मेरा बच्चा यूज करेगा, तो दैट इज माई फैमिली टेबल, ठीक
आई एम वेरी अटैच टू दिस टेबल, ठीक है ना, मैं इसको नहीं बेचने वाला चाहे मुझे कितने रुपए भी दे। तो ये मेरी एक बिल्कुल निजी चीज हो गई है और मैं इस टेबल का नाम मैंने रख दिया है क्या, साथी, साथी है ये, ठीक है। तो मैंने पर्सोनिफाई कर दिया, अब मैं कह सकता हूँ टेबल स्लैग्स, समझ रहे हैं ना आप, ये डिपेंड करता है सेंस के ऊपर, है ना, रटने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। लेकिन अगर नॉर्मल किसी भी जगह पे टेबल को मैं बोलूंगा भाई इस टेबल का कलर ठीक नहीं, दिस टेबल्स कलर इज नॉट राइट, तो वो एक गलत चीज हो जाएगी, द कलर ऑफ दिस टेबल, है ना, कलर ऑफ दिस टेबल इज नॉट करेक्ट या राइट, जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं, वहां पे ऑफ यूज करेंगे। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू, है ना, योर सेंस। सन फ्यूरी, सूरज का तेज, है ना, सन, देखो सूरज जो है उसको हम लोग हमारे पुराणों में, है ना, हमारे धर्म में काफी मान्यता मिली है, तो हम उसको देवता की तरह पूजते हैं, है ना, सूर्यदेव। तो ये हम एपोस्ट्रोफेस लगा सकते हैं, नेचर्स लव, प्रकृति का प्यार, है ना, यूज कर सकते हैं, हमने पर्सनिफाई कर दिया, प्यार वार ये सब सेंस तो ह्यूमन के अंदर होता है, नेचर में कहां से आ गया, तो लेकिन फिर भी हम मानते हैं तो हमने कर दिया। अर्थ स्लैप, धरती की गोद में, गोद तो इंसान की होती है, धरती की कहां से हो गई, लेकिन फिर भी एक सेंस में होती है, ठीक है ना। नाउ उसके बाद देखो क्या कह रहा है, समय, भार और जगह, भैया वेट, क्लियर है, टाइम, प्लेस, इनके साथ एपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं। एनआर्म्स लेंथ मतलब दूर, एक फ्रेज है ना आपका, ठीक है ना, यूज करते हैं ना, एट एन आर्म्स लेंथ मतलब दूरी, एट अ स्टोन थ्रो मतलब पास, तो यहाँ पर आर्म्स लेंथ का मतलब दूरी, क्लियर, दूरी बना के रखना। उसके बाद है 2 किलोग्राम्स वेट, 2 किलोग्राम्स वेट, वेट आ गया, आप यूज कर सकते हैं अ डेज लीव, टाइम, वेट और प्लेस के लिए आप एपोस्ट्रोफेस का यूज कर सकते हैं। उसके बाद कुछ सम्मानजनक जगह पर भी आप एपोस्ट्रोफ लगाते हैं, कोर्ट्स ऑर्डर्स, ठीक है ना, कोर्ट के ऑर्डर, ड्यूटीज कॉल, ठीक है ना, कर्तव्य, लॉर्ड इज विल, लॉर्ड्स विल, प्रभु की इच्छा, समझ रहे हैं आप। उसके बाद भौगोलिक पिंड के साथ एपोस्ट्रोफ का प्रयोग हो जाता है, मून स्लाइट, अर्थ एटमोस्फेयर, ठीक है, तो ये हो गया। पर्टिकुलर कुछ फ्रेजेस के अंदर एपोस्ट्रोफेस ऑलरेडी लगा ही होता है तो हमें वहां से उस रूल से हटना ही नहीं है, वो तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है जी। तो एट वन स्वीट सेंड, ठीक है ना, ना कंफ्यूज हो जाना पूरी तरह से, एट अ स्ट्रॉन्ग थ्रो, ठीक है, पत्थर इतनी दूर है कि बस पत्थर फेंक के बता सकता हूँ, यानी कि पास में होना, और ऊपर भी देखा था एट एट आर्म्स लेंथ, तो वो भी था, ठीक है। उसके बाद देखो पॉइंट नंबर 33 क्या सिखा रहा है, यदि प्लूरल नाउन में यदि अंत में एस आ जाए तो एपोस्ट्रोफ का प्रयोग बिना एस के होगा, बॉयज है, एपोस्ट्रोफ लग जाएगा, ठीक है, एस नहीं लगेगा, बॉयज इज नहीं होगा, बॉयज होगा, क्लियर है, समझ रहे हैं। उसके बाद एस के अलावा अगर हिसिंग साउंड भी आए, है ना, हिसिंग साउंड वाले वर्ड्स कौन से होते हैं, लास्ट में एस आए, सीई आ जाए, एसएच आ जाए, तो ऐसी जगह पे सिर्फ एपोस्ट्रोफ लगा देंगे, क्लियर है, ऊपर वाला रूल फॉलो करेंगे, पीस सेक, शांति के लिए, कंसाइन सेक, अंदरूनी ज्ञान के लिए, भगवान के लिए, जीसस सेक, गणेशस बुक, तो गणेशस नहीं गणेश बुक कहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, प्रोनाउन, जब प्रोनाउन आते हैं तो इनके साथ एपोस्ट्रोफ का प्रयोग नहीं करेंगे, याद रखिए, योर के साथ एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाएंगे, जब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई बन जाएंगे तो आपको बहुत सारी चिट्ठी लिखनी होगी, तो आप बहुत जगह पर योर्स फेथफुली लिखेंगे, ठीक है ना, और जो नए बच्चे होते हैं वो योर करके एपोस्ट्रोफ एस लिख देते हैं, तो करेक्ट करके उनको आदत फिर डाली जाती है, फिर वो योर्स लिखते रहते हैं, तो ये जो योर्स हो गया, योर्स में एपोस्ट्रोफ नहीं आएगा, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, योर्स रहेगा, एपोस्ट्रोफ नहीं आता प्रोनाउन के साथ, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कंपाउंड नाउन में एपोस्ट्रोफ का प्रयोग लास्ट वाले वर्ड के साथ हम लोग करने वाले, ठीक है ना, कंपाउंड नाउन यानी पॉइंट नंबर 36 में बता रहा है, कंपाउंड नाउन का मतलब जो एक एक से ज्यादा शब्दों से मिलकर बने हैं, तो हमारा जो लास्ट वाला वर्ड रहेगा वहीं पे हम लोग एपोस्ट्रोफेस चिपका देंगे, कमांडर्स इन चीफ रहेगा, ठीक है, मदर इन लॉज हाउस रहेगा, लेकिन डबल एपोस्ट्रोफ का प्रयोग कभी भी ना करें, पॉइंट नंबर 37 बहुत अच्छा बता रहा है आपको, हिज ब्रदर्स प्रॉपर्टीज पेपर्स हैव बीन लॉस्ट, ये गलत है, ठीक है, पेपर्स ऑफ हिज ब्रदर्स प्रॉपर्टी, एक सेंटेंस में एक ही बार एपोस्ट्रोफेस लगेगा, और वो भी जहां आपको सुटेबल लगे, यानी कि आप यूज करेंगे कहाँ पे, जहां पे वो क्या है, जहां पे सजीव वस्तु है या पर्सोनिफिकेशन हो रहा है वहां पर, ठीक है। अब देखो
ये जो वर्ड्स है नीचे बड़ी वाले, इनके साथ एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग होता है, ठीक है। लेकिन एल्स के, एल्स भी साथ में लगा हो तो एल्स के साथ एपोस्ट्रोफ का प्रयोग होगा, ठीक है ना। एवरीबडीज मदर और एवरीबडी एल्सिस मदर, समबडी एल्सिस मदर, क्लियर है ये आपको? क्लियर हो गया। अब जो है आपका ये जो चैप्टर है ये समाप्त कर दिया गया है पॉइंट नंबर 38 तक, ठीक है। और इस चैप्टर में आप लोगों को कोई भी अगर दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट्स में जाके मुझे जरूर बताएं ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूं, ठीक है। नाउन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको प्लीज आप ढंग से कीजिएगा, क्लियर है। और कॉमन एयर्स की मार्केट में हजारों किताबें हैं, कोई सी भी अच्छी सी किताब उठा के आप उसको कर लीजिए, ठीक है, जो भी सबसे पॉपुलर है। और अपने रूल्स को बार बार रिवाइज करते रहिए। अगर किसी को, किसी स्टूडेंट को पीडीएफ वर्जन में ये सारे नोट्स चाहिए तो प्लीज मुझे मेल आईडी अपनी कमेंट में डाल दे तो मैं उसको ये मेल कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, अगला चैप्टर हमारा प्रोनाउन होगा। और अभी के लिए बाय कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का बेल आइकन आप प्लीज प्रेस कर दीजिए सो दैट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे, आपको पता लगता रहे। धन्यवाद।